गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज डे 75 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कर रहा है। आज राउरकेला में 75 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है और राउरकेला का एपीआर पेरेंट्स स्टेडियम पे एपीआर फोर्स। यहाँ पर जो चीफ गेस्ट आए थे आरबीसी संबलपुर श्री सुरेश चंद्र दलाई किया और उसके बाद जिसने उड़ीसा पुलिस प्लाटून थे एनसीसी होमगार्ड स्काउट गाइड और होमगार्ड सारे स्कूल कॉलेज के टीम थे जहां पैरेड पे पार्टिसिपेट किए थे। ये लगभग सुबह का मौसम था, सुबह का टाइम था और मौसम सुहावना अच्छा मौसम था, आसमान साफ था और जिसमें बहुत सारे लड़का लड़की स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट्स और गार्डियंस पेरेंट्स वर्तमान मंच दे जाउछन्ते सिविल डिफेंस लेडीज आए थे। स्टेडियम पूरा रंगों बिरंगों से भरा हुआ था। हर किसी के हाथ में जो नेशनल फ्लैग वर्तमान जाउछन्ते सीनियर डिवीजन एनसीसी मुंसल कॉलेज बॉयज दल इस तरह का बहुत सारे प्लाटून वहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। सीनियर डिवीजन मुंसल कॉलेज गर्ल्स वालों यहाँ पर आए थे। पहले तो उड़ीसा पुलिस के प्लेटफॉर्म पैरेड किए, उसके बाद एनसीसी और उसके पीछे पीछे गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज रो सीनियर डिवीजन एनसीसी दल वर्तमान मंच समूह को दई आगु को बढ़ुचों थी पैरेड कर रहे थे। उसके बाद एक आ रहे थे तापर को रही चंदी जूनियर डिवीजन एनसीसी गवर्नमेंट हाई स्कूल उदित नगर बॉयज दला मतलब टीम थे पैरेड करने वाले टीम थे। उस टीम को गवर्नमेंट हाई स्कूल उदित नगर गर्ल्स दला सजावट से हुआ था, जैसे कि स्कूल और कॉलेज में एनसीसी ग्रुप में बॉयज और गर्ल्स थे और उसके बाद कुछ स्कूल में स्काउट ग्रुप थे। वर्तमान मंच समूह को दई आगो को बढ़ुचन इंडो इंग्लिश स्कूल का बॉयज दल और यहाँ पर जूनियर डिवीजन एनसीसी जो कि अपना प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया थे वो भी अपना शूट तब अच्छे को रही करने इंडो इंग्लिश स्कूल का गर्ल्स दल जूनियर डिवीजन एनसीसी हाथों में तो मोबाइल थे, मोबाइल में कोई फोटो खींच रहा है तो कोई वीडियो ले रहा है सेल्फी ले रहा है इस तरह का एक के बाद एक वर्तमान मंच संघ दे आगु बढ़ुचंदे म्युनिसिपल कॉलेज रो रेवर दल तापर पर कोचंदे म्युनिसिपल कॉलेज रो एनएस पर नेशनल सर्विस स्कीम रो दल एक ही बात एक आ रहे थे पर आसमान बिल्कुल साफ था, बारिश नहीं हो रहा था, सूरज थोड़ा ऊपर आ चुके थे और वर्तमान आकाश चल रहा था प्यारा सब कुछ अच्छा ही गया और यहाँ बहुत सारे स्कूल थे जैसे कॉलेज एवे आगे जाउछन्ते म्युनिसिपल कॉलेज रो सिविलियन गर्ल्स उदित नगर हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रो सिविलियन गर्ल्स दल और जो होमगार्ड के लिए थे वो लोग इंडो इंग्लिश मीडियम स्कूल गुरु नानक स्कूल एवे आगे बढ़ुछन्ते मधुसूदन शिक्षा निवास सिविलियन गर्ल्स। हर स्कूल में दो दो टीम थे बॉयज का और गर्ल्स का और कुछ टीम में कंबाइन थे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स मिक्स हुए थे। एबे आउछन्ते ओएसएफ हाई स्कूल रो बालिका दल सिक्योरिटी बहुत टाइट हुआ था जैसे ओडिशा पुलिस अपना चारों तरफ सिक्योरिटी टाइट किया था जैसे कि शांति में ये पैरेड हो जाए। बाजीराव तो शिक्षा निकेतन रो बालिका दल मतलब सिविल में तो बहुत सारे थे जैसे सिविल मधुसूदन शिक्षा निवास इंडो इंग्लिश मीडियम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर शिवाजी मार्ग रो बालिका दल उसके बाद नया बाजार स्कूल इंडो इंग्लिश स्कूल मिश्रा दहार रोड रो बालिका दल हमारा देश गणतंत्र हुआ था यादगार दिलाता है। एबे आगु को बढ़ चंदे सेंट फ्रांसिस स्कूल मद्रास रो बालिका दल हमारे देश जो गणतंत्र इंडिपेंडेंस तो हो गया था 19 गुरु नानक पब्लिक स्कूल सेक्टर 21 में बालिका दल 47 में लेकिन जो रिपब्लिक हुआ था हमारा देश
जनवरी सिटी इंग्लिश स्कूल राउरकेला रा बालिका दल सिटी यादगार तो इसीलिए हमारा देश में हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किया जाता है। नया बाजार गर्ल्स हाई स्कूल गर्ल्स बालिका दल इसमें राउरकेला में भी ऐसा हर साल होता है। उदित नगर इंडो इंग्लिश स्कूल सिविलियन बॉयज दल और एक जगह होता है राउरकेला में तो इस बार स्टेडियम है मधुसूदन शिक्षा निवास स्ट्रक्चर संतोरा दल तापर पर आछुंती वर्तमान कल्चरल ट्रिप रेडी रहे पायलट मार्च पास पर कल्चरल प्रोग्राम आ रहा है वर्तमान एक्टिव रहते हैं मधुसूदन शिक्षा निवास दल टीम आए थे पायलट का जिन में इंग्लिश मीडियम स्कूल चैन दल आपको बड़ी चुंदी बिल्कुल साफ था और उसके पीछे मार्च फास्ट का जो बैंड बज रहा है ये तो सबसे अच्छा सिटी इंग्लिश स्कूल का आपको बोलु छंती मार्च फास्ट बैंड या परे परे कल्चरल प्रोग्राम पई जो चारोटी दल अछन से प्रस्तुत रहबे उदयनगर हाई स्कूल इंडो इंग्लिश स्कूल मधुसूदन शिक्षा निवास और सरस्वती विद्या मंदिर दल सुरेश चंद्र सरस्वती विद्या मंदिर दल आपको बोलु छंती उत्तरांचल राजस्व कमिश्नर संबलपुर जो आरडीसी संबलपुर तांको परे परे रही छन सेंट फ्रांसिस स्कूल गदबेस दल कमिश्नर आए थे और उनको सहयोग किए थे एटीएम राउरकेला सेसो दल भाव रही छन गुरु नानक पब्लिक स्कूल लास्ट सेक्टर 21 दल और बच्चे बच्चे पुलिस बैंड रो तले तले वही से रिपोर्ट पार्टी ने बनाती है जॉइन बैंड पार्टी कल्चर जो प्रस्तुत रहे एक कार्यक्रम का हर जगह मतलब बजा जा रहा है और ये लास्ट में होता है और जैसे कि अभी शुरू होगा एक कल्चरल प्रोग्राम कुछ है जो कि पहले अरे विश्राम में अच्छी है कल्चरल प्रोग्राम बस सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेशन करबो दिनगर हाई स्कूल दल स्टूडेंट बॉयज ग्रुप योगा का कुछ से माने प्रथम योग प्रदर्शन करबे तापर अन्य कार्यक्रम हम तो मैदान को मैदान पे योग विभिन्न कौशल फील्ड में जेंति के हम समस्त जानि छे हम देश भारत पक्षरु विश्व योग दिवस पई जो प्रस्ताव दिया हितला सेइ क्रम रे हम प्रत्येक वर्ष जो 21 तारिख रे विश्व योग दिवस पालन करि आछु एवं योग हम शरीर को सुस्थ निरोग रखबा रे एवं सरकार स्तर रे विभिन्न विद्यालय रे तो योग शिक्षक मन मध्ये नियुक्त हेले बटन आसन तो देखबा उदय हाई स्कूल पिला मन द्वारा योग प्रदर्शन यहाँ जो ये लोग योगा का प्रदर्शन कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि योगा सेहत के लिए अच्छा है योगा सुबह टाइम करना चाहिए और योगा हर कैटेगरी के लोग होते हैं भी करना चाहिए तो शुरू करते हैं ये लोग योगा योगा मतलब कुछ आसन प्रदर्शन करेंगे देखते हैं क्या क्या करते हैं आइए देखिए उदित नगर बॉयज हाई स्कूल के बॉयज कुछ योगा का प्रदर्शन करेंगे सूर्य नमस्कार आरंभ है जी जगह योगा करना चाहिए लगभग चाहे वो किसी का हो योगा रे शीर्षासन समुद्र कष्टा संपूर्ण शरीर को स्थिर रखी करे दौछे शीर्षासन फूल जैसा बनना सजावट अच्छा योगा चमत्कार प्रदर्शन विभिन्न आसन प्रदर्शन कर सम्मान
ଏବେ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ନେବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। शिक्षा निवास के गर्ल्स के लिए कल्चरल डिस प्रोग्राम कर रहे हैं लोग। मधुसूदन शिक्षा निवास गर्ल्स लोग हैं, गर्ल्स टीम कल्चरल डिस प्रोग्राम प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोग का भी अच्छा प्रदर्शन है। बता देना चाहते हैं हमारा देश का भी कुछ हर तरह की सक्षम भारत सरकार एक स्कीम है बचाओ बेटी पढ़ाओ और कन्या भ्रूण हत्या को विरोध करते हुए। तो ये है कि वुमेन पावर मधुसूदन शिक्षा निवास के छात्र जो ये उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी बनाया अपना ड्रेस अच्छा प्रदर्शन करते हुए बहुत ही खूबसूरत अच्छा प्रदर्शन हमारा देश का बेटियों का प्रदर्शन। मधुसूदन शिक्षा निवास करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह का प्रदर्शन है। बहुत ही जितना तारीफ किया जाए उतना कम। आज रिपब्लिक डे है और रिपब्लिक डे में लोग का अच्छा प्रदर्शन गाना के साथ साथ इन लोग का प्रदर्शन कल्चरल प्रोग्राम प्रदर्शन इसे साफ चेता देना चाहते हैं करा देना चाहते हैं हर एक सक्षम आपका लोग से किसी तरह से कम अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन करते हैं। मधुसूदन शिक्षा निवास के स्कूल के छात्र वाह सजावट भी किया नेशनल प्लेटफॉर्म पर एक फूल जैसे बना दिए फूल जैसे बना के प्रदर्शन करते हैं। बहुत ही लाजवाब जितना तारीख उतना कम वाह बहुत ही अच्छा। मधुसूदन शिक्षा निवास के छात्र द्वारा बहुत ही अच्छा ग्रुप पर जो मैं पूरी तरह सजा दी और ऊपर हमारा देश का हमारा खेलना सबसे अच्छा देश का हमारा देश का झंडा जो नीचे देना ये लोग प्रदर्शन करते हुए नीचे जब मिले साइड से कोई आया उसे उठा के ले गया। हमारा देश का सम्मान रखना चाहिए तो सबसे प्यारा देश हमारा झंडा ऊंचा रहे। बाद और एक कल्चरल प्रोग्राम आगे मैदान दो इंग्लिश मीडियम स्कूल बॉयज और गर्ल्स मिलकर कुछ क्लास में मतलब कल्चरल प्रोग्राम
तो कहीं सजावट ही अच्छा है। हमारा देश का जो झंडा इन लोग का ड्रेस में बनावट हुआ है, हमारा देश का जो झंडा होता है लड़की लोग ऐसे सर में पगड़ी जैसे बांधे हुए हैं। लोग अपने कल्चरल प्रोग्राम में से ये स्टूडेंट्स गाना के साथ साथ इन लोग का प्रदर्शन भी ऐसा ही होता है। बॉयज है व्हाइट कमीज जैसे कुछ पहने और जो गर्ल्स है जैसे ऑरेंज कलर का साड़ी और सर में पगड़ी जैसे पहने। वाह अच्छा प्रदर्शन है। कल्चरल प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा है, काफी दिनों से ये लोग प्रैक्टिस भी किए हुए। लाजवाब प्रदर्शन। वाह तिरंगा हाथ में पकड़े हुए ये लोग भारत प्यारा देश हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा रहता है। बहुत ही सारे प्यारे और कल्चरल प्रोग्राम खत्म हो गए। अभी जो चीफ गेस्ट हैं अवार्ड जो प्यारे और कल्चरल प्रोग्राम अन्य क्षेत्र में जो भी प्रदर्शन किए हैं इन लोग को पुरस्कार वितरण कर चीफ गेस्ट हमारा श्री सूरज चंद्र दलाल जी माननीय राजस्व कमिश्नर आरडीसी संबंधित आईएएस ऑफिसर केरल में जितने भी विजेता हुए हैं उन लोग को पुरस्कार वितरण करेंगे। और यहाँ चारों तरफ देखिए खच हो रहे हैं, सुबह का टाइम हल्का फुल्का सब ठीक हो रहा है, हवा हल्के से चल रहा है। जो पुलिस लोग हैं चौके में रहे हैं ताकि कुछ हंगामा ना मच जाए। बहुत सारे शांति से ये सब प्रोग्राम खत्म हुआ धीरे धीरे। और अभी बचा है सिर्फ प्राइज लेने के लिए आज सेकेंड थर्ड जो प्राइज दे रहे हैं कल्चरल प्रोग्राम में कॉम्पिटिशन है इसमें अभी पुरस्कार चीफ गेस्ट प्रदान करेंगे। और बाहर का नज़ारा भी बहुत ही अच्छा है, लोग एकदम भरा हुआ है। और सभी का इंतजार फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा कौन देखिए सुनने के लिए अभी बेहतर है सर। किसी को प्राइज मिलेगा कौन जीतेगा प्रदर्शन तो हर सभी का अच्छा रहा किसी का बुरा नहीं। ठीक है फ्रेंड अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर एक और नया वीडियो लाकर दूंगा। ठीक है बाय।